भारत और कनाडा के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है, जहां कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने न्यूयॉर्क पहुंचकर अपने आरोपों को दोहराते हुए खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ बताया। लेकिन भले ही ट्रूडो कनाडा की संसद से लेकर न्यूयॉर्क तक निज्जर की हत्या में भारत का हाथ होने के पुख्ता सबूत होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन ये सबूत उन्होंने भारत को सौंपने से इनकार कर दिया है। इससे साफ जाहिर होता है कि ट्रूडो के आरोप अब तक हवा हवाई ही नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ट्रूडो के आरोपों के बाद से भारत एक्शन मोड में नजर आ रहा है। गौरतलब है कि गुरुवार को भारत ने कनाडाई नागरिकों के लिए वीजा सेवा रोक दी। साथ ही भारतीय विदेश मंत्रालय ने कनाडा को आतंकियों का सुरक्षित पनाहगार बताया है। भारत ने कनाडा को स्पष्ट शब्दों में संदेश दे दिया है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के आड़ में भारत विरोधी टूलकिट अब नहीं चलेगी। दरअसल 18 जून को सरे में हुई खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या में ट्रूडो भारत का हाथ बताकर इसे सियासी टूलकिट की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन भारत की दमदार कूटनीति से जस्टिन ट्रूडो का गोल कनाडा के लिए सेल्फ गोल बनकर रह गया। वहीं दुनिया के सामने भारत ने कनाडा के डबल स्टैंडर्ड को एक्सपोज कर दिया है। कनाडा सरकार के आरोपों का भारत की तरफ से करारा जवाब दिया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हमने कनाडा की धरती पर आतंकवादी गतिविधियों के बारे में उन्हें जानकारी दी, लेकिन कनाडा ने निज्जर की हत्या को लेकर कोई विशेष जानकारी भारत के साथ साझा नहीं की है। कनाडा आतंकवादी गतिविधियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बन गया है। उसे अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के बारे में सोचने की जरूरत है। उन्होंने कहा, सबसे बड़ा मुद्दा कनाडा और पाकिस्तान द्वारा वित्त पोषित और समर्थित आतंकवाद है।